तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो क्या रेसलमेनिया 39 WWE हिस्ट्री के वन ऑफ द बोरिंग रेसलमेनिया होने वाला इस बार का। और ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ, मैं रात को 10 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो कितना सीरियस है टॉपिक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे भाई, सारे लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो लास्ट तक देखने के बाद सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, रेसलमेनिया 39 होने में अभी 1 से 1.5 मंथ अभी टाइम बाकी है और रेसलमेनिया 39 के अंदर 80% मैच पहले ही लीक हो चुका है। रेसलमेनिया 39 के अंदर आखिर कौन कौन सा मैचेज होने वाले, मैं सारा मैचेज का लिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूं वीडियो के अंदर, आप चाहे तो वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आखिर में मैं क्यों रेसलमेनिया 39 को एक बोरिंग रेसलमेनिया कह रहा हूँ, आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। एक और चीज, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं WWE करीब 3 या 4 साल से देख रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक तरफ नजर डालते हैं आखिर रेसलमेनिया 39 के अंदर आखिर कौन कौन सा मैचेस होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मैच रेसलमेनिया 39 के अंदर आपको होते हुए दिखेगा, जिस मैच का सबसे ज्यादा रूमर भी आ रहा है, वो है ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेस्ली का मैच। और अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये मैच ऑलरेडी रेसलमेनिया से पहले 3 बार ऑलरेडी हो चुका है, 1 बार अगर एलिमिनेशन चेंबर का अगर मैं मिला दूं। तो मेरे ख्याल से मैच ऑलरेडी 3 बार हो चुका है, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है इस मैच को देखने के लिए फिर से अगेन। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट मैच का बात करें, जो कि होने वाला हमारे एज वर्सेस फिन वेलर के बीच में, मैं आपको बता दूं ये मैच ऑलरेडी WWE के अंदर 1 बार और फिर से हो चुका है। ये मैच फिर से दोबारा हो रहा है रेसलमेनिया 39 के अंदर, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस मैच को देखने के लिए। और हाँ, जो भी मैं आपको मैच का मैं लिस्ट बता रहा हूँ, सारा मैच ऑफिशियली कंफर्म है कि इस बार रेसलमेनिया 39 में होने ही वाला, बस 1 मंथ बाकी है रेसलमेनिया होने। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैच का बात करें, जो कि होने वाला सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल के बीच। देखो, जिन लोगों को ये लगता है कि लोगन पॉल एक बहुत अच्छे रेसलर और सेथ रॉलिंस के कम्पिटेटिव बन सकते हैं एज रेसलमेनिया के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल गलत है भाई। सेथ रॉलिंस बहुत अच्छा कुछ डिजर्व कर सकते थे इस बार रेसलमेनिया 39 के अंदर। सेथ रॉलिंस बहुत कमाल के रेसलर और लोगन पॉल बहुत बड़े एक रेसलर नहीं है। अगर आप लोगों ने लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस का अगर मैच देखो, तो लोगन पॉल रोमन रेंस को बस हाई फ्लाई मूव वगैरह दिए, तो बहुत अच्छे रेसलर नहीं है हमारे लोगन पॉल। WWE वाले सिर्फ और सिर्फ ये मैच इसीलिए करवा रहे ताकि बाहर का ऑडियंस को WWE के अंदर ला सके, क्योंकि हमारे लोगन पॉल बहुत बड़े एक स्टार है। मेरे ख्याल सेथ रॉलिंस को एक बहुत अच्छा मैच दिया जा सकता था रेसलमेनिया के अंदर, पर WWE वाले ने नहीं दिया, तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं पर्सनली इस बात। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैच का बात करें, जो कि होने वाला रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। भाई ये मैच 110% प्रेडिक्टेड। इस मैच के अंदर सारे लोग को पता है कि इस मैच के अंदर रे मिस्टीरियो हमारे हारने वाले डोमिनिक मिस्टीरियो से, उसके बाद रे मिस्टीरियो रिटायर होने वाला WWE कंपनी से। तो मेरे ख्याल से ये मैच भी बहुत कमाल का नहीं होने वाला, क्योंकि भाई जिस मैच का अगर आपको ऑलरेडी रिजल्ट पता हो, तो भाई मैच देखने में उतना मजा नहीं आता। और हाँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि रेसलमेनिया 39 के अंदर सारे मैचेज बकवास है, बहुत सारे ऐसे मैचेज हैं जो कि बहुत कमाल के। जैसे आपको शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिपली का मैच बहुत कमाल का आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली, पर हाँ ये कुछ ही मैचेज। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैच का बात करें, जो कि होने वाला हमारे अंकल हॉडी वर्सेस ब्रे वाइट के बारे में। भाई ये मैच मैं क्या ही बताऊं, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता इस मैच के बारे में, क्योंकि पिछले 4 मंथ से WWE वाले अभी तक ये नहीं दिखाए कि हमारे अंकल हॉडी कौन है या फिर हमारे ब्रे वाइट कौन है, इनका कैरेक्टर तक नहीं दिखाया WWE वाले। आप मेरे ख्याल से बहुत कुछ ज्यादा नहीं देखने वाले हो रेसलमेनिया के अंदर भी, जैसे कुछ दिन पहले हुआ था ना पिच ब्लैक मैच, उसी तरह से ये मैच होने वाला है। मतलब जैसे WWE वाले रॉयल रंबल के अंदर पोपट काटे, सेम इसी मैच के अंदर वैसे ही पोपट काटने वाले। वैसे रॉयल रंबल के अंदर आपको मैच कैसा लगा था, सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। इसके अलावा रेसलमेनिया 39 के अगर कुछ और मैचेस का बात करें, जो कि होने वाला है जैसे वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए मैच, तो ये बात मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आधा लोग भूल भी चुके होंगे कौन एक्चुअल में WWE के अंदर टैग टीम चैंपियन है वुमेन्स का। भाई सारे लोग भूल चुके होंगे, WWE वाले कुछ फोकस ही नहीं करते इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये मैच भी बहुत खास नहीं होने वाला। इस मैच के अंदर रोंडा रोजी जीतने वाली मुझे पता है, पर हाँ ये मैच खास कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मैच का बात करें, जो कि होने वाला जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। भाई मैं बता रहा हूँ पहले से, इस मैच के अंदर 100% नहीं कंफर्म है कि ये मैच होने ही वाला है, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता है रिसेंट टाइम में जॉन सीना बहुत सारे फिल्म वगैरह साइन कर रहे हैं, आई थिंक फास्ट एंड फ्यूरियस का 10 पार्ट भी आ रहा है। तो भाई जॉन सीना आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, ये बात भी 100% कंफर्म नहीं है अभी। और ये मैच अगर होगा भी रेसलमेनिया 39 के अंदर, तो जॉन सीना आपको बहुत अच्छे रेसलिंग करते हुए पहले जैसा नहीं दिख सकते इस मैच के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल स्मैकडाउन के ऊपर भी देखा होगा कि जॉन सीना बहुत ज्यादा रेसलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी फिल्म वगैरह साइन वगैरह हो रहा है। तो ये मैच अगर होता भी है रेसलमेनिया के अंदर, तो ये मैच से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैच बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। हाँ, पर यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी को काफी अच्छा पुश मिलने वाला है। ये सब मैचेस के अलावा अगर हम लोग बात करें, तो भाई WWE वाले कोई भी लेजेंड को नहीं बुलाने वाले इस बार का रेसलमेनिया 39 के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप लोग को नहीं पता तो रॉयल रंबल के अंदर WWE वाले इसलिए बहुत सारे लेजेंड को इसलिए नहीं बुलाए थे ताकि WWE वाले रिलाई नहीं करना चाहते WWE को ओल्ड लेजेंड के ऊपर, क्योंकि ट्रिपल एच को ऐसा लगता है कि WWE के जो न्यू टैलेंट है वही WWE के शो को चला सकते हैं, उनको लेजेंड की जरूरत नहीं है यहाँ पर किसी भी मैच के। और देन इसके बाद रेसलमेनिया 39 का अगर हम लोग मेन इवेंट का बात करें, तो भाई मेन इवेंट के अंदर 100% पता है सारे लोग को क्या रिजल्ट होने वाला है। मैं आप लोगों को कुछ और बता रहा हूँ, जब इससे पिछले बार जब रेसलमेनिया हो रहा था, तो इसके अंदर ब्रॉक लेसनर भी चैंपियन था, हमारे रोमन रेंज भी चैंपियन, और आई थिंक कोई भी 100% नहीं बता पा रहा था ये चीज कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाले या फिर रोमन रेंज जीतने वाले, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भी जीतने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस था, रोमन रेंज का भी जीतने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस। अगर उससे अगर पिछले साल का भी अगर हम लोग रेसलमेनिया का बात करें, जहां थे हमारे डेनियल ब्रायन थे, हमारे एज थे, हमारे रोमन रेंज थे, तो ये जो मैच था ये भी मैच पूरी तरह से प्रिडिक्टेड नहीं था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर हमारे डेनियल ब्रायन न्यू चैंपियन बनने वाले, पर क्या इस बार का जो रेसलमेनिया हो रहा है इसके अंदर आपको ऐसा थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि रोमन अपना चैंपियंस बेल्ट सक्सेसफुली रिटेन कर सकते हैं इस रेसलमेनिया के अंदर? हाँ, इसके अंदर अगर रॉक रहते तो रेसलमेनिया के अंदर रॉक वर्सेस अगर रोमन रेंज का मैच होता तो 50-50 चांसेस रहता, क्योंकि रॉक चैंपियंस बेल्ट लेकर क्या करेंगे यहां पर। भाई यहां तो 100
100% कंफर्म है, चाहे मैच कितना कमाल का हो, इस मैच के अंदर कोडी रोड्स ही चैंपियन बनने वाला है। तो मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट थोड़ा सा लेवल कम हो चुका है इस मैच के अंदर। और ऐसे भी लोग यहाँ पर रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच देखना चाहते हैं, पर हो रहा है यहाँ पर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐसे ही ऑडियंस का यहाँ पर डाउन हो चुका है। और उसके बाद अगर रही हमारे उसोस की बात, तो भाई जब राजा ही नहीं रहेगा तो उसका प्रजा का क्या होगा। हमारे उसोस भी अपना चैंपियनशिप बेल्ट हारने ही वाले रेसलमेनिया के अंदर, 100% ये बात कंफर्म है। और हाँ, रेसलमेनिया 39 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच होने वाला, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। सैमी जेन हमारे टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए ही जाने वाले रेसलमेनिया 39 के अंदर। सैमी जेन और रोमन रेंस दोनों के बीच में जो भी हिसाब किताब रहेगा, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इन्वेशन चैंबर के अंदर ही सारा कुछ खत्म कर देने वाले। तो भाई देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन के ऊपर अभी हम लोग स्टोरी लाइन वगैरह देखने हो तो बहुत मजा आ रहा है। पर भाई जहां बात आती है रेसलमेनिया की, तो भाई हम लोग को ऑलरेडी पता है रेसलमेनिया के अंदर क्या कुछ होने वाला है। इस मैच का सारा रिजल्ट हमें पता है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऑलरेडी 3 से 4 मैच ऐसे करवा रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर जो कि ऑलरेडी मैच हो भी चुका है फ्यूचर के अंदर, तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आने वाला है मेरे ख्याल। सिर्फ यही एक रीजन है जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ बोरिंग इस बार का रेसलमेनिया का। स्टोन कोल्ड वगैरह बहुत सारे रेसलर नहीं आने वाला इस बार का रेसलमेनिया के अंदर। वैसे आप लोग क्या सोचते हो रेसलमेनिया 39 के बारे में, भाई सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मैं सबका कमेंट पढ़ने वाला हूँ, सबको मैं रिप्लाई भी करने वाला। और अगर आप लोग को सारे मैचेस का लिस्ट जाना रेसलमेनिया 39 के, तो इसके बाद वो वीडियो सारे लोग देख सकते हैं, आपको इन डिस्क्रिप्शन के ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनली बात करना है तो भाई सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक